ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बेसिक क्वेश्चन करने के बाद हम कुछ एडवांस क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं. लेट्स सी क्या बोला है. अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड H2 इनिशियल मोलर रेशियो इज 1:3. उसको मैंने कंटेनर पे रखा और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तब प्रेशर था 80 atm और अमोनिया जो है वो हमारा 10% बाय वॉल्यूम है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम. तो इस वाले गिवन रिएक्शन का केपी जो है वो हमें निकालना है. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, हमने जो डाले हैं वो तो N2 और H2 डाले हैं. तो हम पहले जो रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे वो है N2+3H2 gives us 2NH3. तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा यहां पर है, जो हमें रिएक्शन का केपी हमें निकालना है, वो केपी हम इस जो के ये जो केपी निकालेंगे उसका इनवर्स होगा. सो ओके, हम पहले ये वाले रिएक्शन का केपी को निकाल डालते हैं. नाउ इनिशियल मोलर रेशियो अगर 1:3 है तो अगर N2 का प्रेशर को मैं P0 बोलता हूं तो H2 का प्रेशर मैं डेफिनेटली 3P0 लूंगा इनिशियली. ये मेरा T=0 का सिनेरियो है. नाउ इक्विलिब्रियम में अगर मैं इसका प्रेशर मान लेता हूं P0-X, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा दोस्तों वो होगा 3P0-3X, क्योंकि इसका 1 मोल जाने पर इसका 3 मोल रहेगा. यानी N2 और H2 का मोलर रेशियो मेरा हमेशा ही 1:3 ही रहने वाला है. ये किसी भी हालात पर बदलाव नहीं होने वाला है. एंड नाउ ये जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2X. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, राइट. अच्छा, नाउ NH3 इज 10% बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल प्रेशर पी इक्विलिब्रियम अगर तुम्हारा है 80 atm, तो इसका सिंपल मतलब यह है जो पी अमोनिया होगा दैट विल बी 80 atm का 10%, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 atm. एक रिलेशन पहले मेरे पास से ये आ गया, राइट. पी NH3 जो है वो होगा हमारा 8 atm, बट वो तो हमने 2x माने हैं. सो 2x इज इक्वल्स टू 8, यानी x जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 atm. पहले ये रिलेशन तो मुझे मालूम पड़ गया. और इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना होगा दोस्तों, अगर मैं इक्विलिब्रियम प्रेशर के बारे में बात करूं, P0-X + 3X + 2X और वो हमारा 80 होना चाहिए, तो 4P0-2X मस्ट बी इक्वल्स टू 80. सो x का वैल्यू कितना है, 8, और 4 तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8. सो 4P0 इज इक्वल्स टू 88, यानी P0 हो जाएगा मेरे पास 22 atm. सो दोस्तों, पी ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम वो तो मेरे पास 8 atm मालूम है, तो पी ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, 22-4 दैट इज इक्वल्स टू 18 atm. पी ऑफ H2 मेरे पास आ जाएगा 54 atm और पी ऑफ NH3 मेरे पास ऑलरेडी है 8 atm. तो ये वाला रिएक्शन का केपी जो आएगा, इसको मैं केपी डैश बोल देता हूं, तो केपी डैश इक्वल्स टू पी ऑफ NH3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8² बाय पी ऑफ N2 दैट इज इक्वल्स टू 18 इंटू पी ऑफ H2 का होल क्यूब, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 54³. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8² इंटू इट विल बी 18^4 इंटू 27 3³, राइट.
बट हमें जो रिएक्शन का केपी निकालना है वो इस रिएक्शन का उल्टे कर निकालना है, तो केपी का वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 18 टू द पावर 4 इंटू 27 बाई 8 स्क्वायर। नाउ 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 9, तो 9 टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पे 9 टू द पावर 4 इंटू 9, तो 9 टू द पावर 4 इज 3 टू द पावर 8, और यहां पर कितना है 3 टू द पावर 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 11, 2 टू द पावर 4, और 8 है 2 क्यूब, 3 टू द पावर 11 बाई 4, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ केपी। खैर लास्ट में तो यह कैलकुलेशन था, मेन मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल किया उसके बारे में एक बार देखो। ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं था, बस वेरिएबल्स लेने की बात थी। अगर मूलर रेशियो 1:3 दे रखा है तो जो इनिशियल प्रेशर का रेशियो होगा वो भी डेफिनेटली हमारा 1:3 ही होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आसानी से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है उसके अंदर जिसका वॉल्यूम है वी, उसको मैं 10 मोल PCl5 गैस डाला उसके अंदर, टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान फिक्स रहेगा टी, इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो है मेरा 20 एटीएम, और अल्फा PCl5 मैंने देखा 0.5, तो सवाल ये है जो मुझे कितना मोल PCl5 और डालना पड़ेगा जो कि इक्विलिब्रियम में फाइनल प्रेशर हमारा हो जाए 30 एटीएम। रिएक्शन बहुत सिंपल है, वो हो रहा है क्या, PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। ओके दोस्तों लेट्स सी, तो जो जो बोला है मैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इनिशियली PCl5 का प्रेशर मान लो P0, 10 atm के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या आएगा आई डोंट नो, 10 मोल के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या आएगा आई डोंट नो, उसको मैं P0 मान लेता हूं, ठीक है। वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, मुझे मोल्स मालूम है, तो ऑब्वियसली बात है मैं प्रेशर निकाल लूंगा, राइट। तो इनिशियल प्रेशर टी इक्वल्स टू जीरो पर मान लो ये 10 है, सॉरी P0 है, ये जीरो है, ये जीरो है। सो जब इनिशियल इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो ये हो जाएगा P0 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये होगा P0 अल्फा, ये होगा P0 अल्फा, तो टोटल प्रेशर जो होगा इक्विलिब्रियम में वो कितना है, इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना होगा 20 एटीएम, तो P0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस P0 अल्फा प्लस P0 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 20। So P0 into 1 plus alpha will be equals to 20. ये हमारे पास पहले आ चुका है, right? हाँ, जहां पे alpha का value मुझे मालूम है 0.5. Now what will be the value of KP? इसमें KP का value क्या होने वाला है? Let's see. KP अगर मैं ध्यान दूं, that will be equals to P0 square alpha square by P0 into 1 minus alpha, that is equals to P0 alpha square by 1 minus alpha. But P0 का जो value है वो है 20 by 1 plus alpha. So इसका जो value आ जाएगा वो आएगा 20 alpha square by 1 minus alpha square. Now alpha का value है 0.5. So इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.25। तो दोस्तों दिस इज 20 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज इक्वल्स टू 20 बाय 3।
ये केपी क्या आ जाएगा 20/3, राइट। तो सबसे पहले जो पहला इंफॉर्मेशन है उसके सहारे मैंने ये निकाल लिया जो मुझे यहां पर केपी का जो वैल्यू है वो 20/3 है, जो बाकी पूरे क्वेश्चन के दौरान मेरा इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा दोस्तों, अब एक दूसरी बात समझो। अच्छा, मैंने कुछ मोल्स ऑफ PCl5 डाल दिया हूं, वो डालने के बाद जो फाइनल इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, जो फाइनल इक्विलिब्रियम का प्रेशर आया है वो मेरा 30 atm आया है। अच्छा, मैं दो बार में PCl5 डालू, यानी पहले 10 मोल डालू और बाद में n मोल डालू, या फिर पहले से ही 10+n मोल डाल के रख दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाद में n मोल PCl5 डालने पर प्रेशर हमारा 30 atm आ रहा है, तो शुरुआत में ही 10+ उतना मोल डालने पे हमारे पास एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर आने वाला है। सो पी इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 20 atm। जब मैंने 10 मोल डाला और अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पी इक्विलिब्रियम टू बी 30 atm जब हम 10+n मोल डालेंगे, राइट। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को अब रिसॉल्व करना पड़ेगा, हमें यह क्वेश्चन को रिसॉल्व करना पड़ेगा, और यह है PCl5 PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, राइट। और अब टी इक्वल्स टू 0 पे कुछ और प्रेशर था P0-, ये था 0, ये था 0, और इक्विलिब्रियम में P0-, इंटू 1-α-, P0-α-P0-α-, एग्जैक्टली सेम एनालिसिस करूंगा। और इस बार मेरे पास मुझे जो मालूम है वो है P0- इंटू 1+α-, वो है मेरा 30, क्योंकि टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर अब मुझे 30 चाहिए। और दूसरा जो केपी है दैट विल बी 30 into α² by 1-α² ये मेरा नया वैल्यू ऑफ केपी आएगा। बट केपी तो कोई भी रिएक्शन में बदल नहीं सकता है दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये तो अभी भी 20/3 ही आने वाली है। तो जो पहला इंफॉर्मेशन था, उस पहला इंफॉर्मेशन का मेन रिक्वायरमेंट तो इसी बात पे था जो हम पहले केपी निकाल ले और बाकी पार्ट में उस केपी का हम इस्तेमाल करें। सो दोस्तों, जैसे मैं ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज गॉन। तो 9α² इक्वल्स टू 2-2α². तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 11α² इज इक्वल्स टू 2, तो α- इक्वल्स टू √2/11। ये हमारा α- का वैल्यू है। तो लेट मी कैलकुलेट, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/11 दैट इज √0.1, तो 9 आएगा तो लगभग 0.18 ये मेरे पास आएगा, राइट। और रूट ओवर 0.18 के बारे में अगर देखूं तो रूट ओवर 0.18 मेरे पास कितना आएगा, लगभग इफ आई कंप्यूट, तो 10 तो पहले बाहर कर दो, √18 नाउ √2 इज 1.414,
सो इट इज 4.2, सो फन कितना आ जाएगा, लगभग 0.42। अल्फा डैश का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.42। नाउ अल्फा डैश का वैल्यू मेरे पास जैसे ही आ गया है दोस्तों, तो क्या मुझे ये पहले वाले इंफॉर्मेशन से पीनॉट डैश का वैल्यू आ गया या नहीं आया? जी हां, जरूर आ गया। पीनॉट डैश का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 30/1.42। ये मेरा है पीनॉट डैश का वैल्यू। ओके दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान देना, क्या है मेरे पास, फंडा क्या है? बाय द वे दिस इज अप्रोक्सीमेटली रूट टू, ठीक है ना, चल जाएगा मेरा काम। दिस इज अप्रोक्सीमेटली रूट टू, यानी इसको मैं 15√2 मान लूंगा। खैर वो बात की बात है, अब समझो मेन कंसेप्चुअल पार्ट। सो दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फिक्स है और टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर फिक्स है, तो जो हमारा प्रेशर का रेशियो है वही हमारा मोल्स का रेशियो भी होगा। यानी 10 मोल डालने पर शुरुआत में प्रेशर हुआ पी नॉट, और 10+L मोल डालने पर शुरुआत में प्रेशर हुआ पी नॉट डैश। तो क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अच्छा बाय द वे, एक बार मैं फटाफट यहां से पी नॉट निकाल लेता हूं। यहां से जो पी नॉट का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20/1.5, दैट इज इक्वल्स टू 40/3। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? सो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, पी नॉट डैश बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू 10+N/10। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? सो इफ आई सी, ये रूट टू है तो दिस इज 15√2। P naught is 40/3 and that will be equals to 1+N/10। देखो बेसिकली अब यहां पे कैलकुलेशन पे दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन के अलावा एज सच और दिमाग लगाने वाला कोई बात नहीं है। सो ये मेरा 3 से कटेगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है? सो 9√2/8, 9√2/8, तो 9√2 कितना होगा, 1.414 × 9, ये है 6, 12, 7, तो 12.726। क्या मैं सही किया हूं? 6, 3, या आई होप सो, ठीक है? तो that divided by 8, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे पास, approximately 1.6, approximately, लगभग चलेगा, right? So 1.6 is equals to 1/N/10, तो N/10 is equals to 0.6, तो N जो है वो है मेरे पास आ गया 6 मोल। तो हमें 6 मोल जो है डालना पड़ेगा, क्या, और PCl5 डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्रेशर फाइनल में 30 atm के साथ इक्वल हो जाए। मैंने काफी सारे अप्रोक्सीमेशन मारा हूं, लेकिन आई होप लगभग काम चल गया होगा। बाकी एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हुआ हो, बट वो कैलकुलेशन में मिस्टेक ही होगा। कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, मेरे ख्याल से वो मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अच्छा, दूसरा और एक क्वेश्चन में ये बोला है, जो मैंने उतना ही PCl5 डाला लेकिन मैंने वॉल्यूम को भी साथ में इस तरीके से इंक्रीज कर दिया, जो कि मेरा प्रेशर वापस 20 atm के साथ इक्वल हो गया है। तो अब सवाल ये है, जो मेरा नया वॉल्यूम है, पुराना वॉल्यूम अगर V है तो नया वॉल्यूम कितना होना पड़ेगा जो कि हमारा नया प्रेशर इक्विलिब्रियम पे अभी भी 20 atm ही रहने वाला है, दैट वी हैव टू थिंक, ठीक है दोस्तों? तो सोचो, यहां पर एक बार वीडियो को पॉज करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है।